मिथिला हम सरोजा और अहाँ सब देख रहल छी मिथिला तकनीक। देख रहल हेबै जे आइ नगर निगम मधुबनी के द्वारा शुद्ध पेयजल के उद्घाटन भ रहल अछि, जकर उद्घाटन जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार सर करता। आ देख रहल हेतै पियाऊ के व्यवस्था सेहो मधुबनी नगर निगम मे कयल जायत। आ 20 टंकी देल गेल है आ टोटल 60 टैंकर नगर निगम के द्वारा देल गेलै है। आ हर जगह पियाऊ के व्यवस्था कयल जेतै, टंकी के व्यवस्था कयल जेतै। आ जे मधुबनी में अखन वर्तमान स्थिति जे अछि जल के लऽ कऽ त्राहि त्राहि मचल अछि, आ जाहिके समाधान करै के लेल नगर निगम आगा बढ़लथि है और समाधान कऽ रहल छथि। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी लू की स्थिति बनी हुई है और अगले दिन भी बहुत घटनाएं हो रही है, और गर्मी के कारण जो है पानी का जो भूगर्भ का जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से पानी का स्तर कुछ वार्डों में काफ़ी नीचे गया है, तो कहीं कहीं से हम लोगों को सूचना भी आ रही थी कि कुछ पुराने चापाकल जो पत्ते पाइप वाले होते हैं वो पानी देना बंद कर दिए हैं। हालांकि जो मार्का 2 और 3 वाले अभी चल रहे हैं और जो ऐसी IMD के द्वारा जो फोरकास्ट है कि अगले एक महीने तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। हालांकि बीच में लास्ट वीक अप्रैल में कुछ बारिश होने की संभावना है, लेकिन ये नगर निगम के द्वारा ये तैयारी पूरी की जा रही है कि अगर कहीं पे वार्ड में पीने के पानी की समस्या हो तो उसको तुरंत ही टैंकर के माध्यम से पानी वहाँ उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में आज 2 टैंकर यहाँ पे तैयार हो गया है, 2 टैंकर नगर निगम के द्वारा, और कहीं भी पानी की जहाँ आपूर्ति होगी वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। तो नगर निगम के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त PHD का भी टैंकर यहाँ उपलब्ध है, आवश्यकता पड़ने तो उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में पियाऊ की भी व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे हैं। अन्य नगर निकायों और पंचायतों में पियाऊ की व्यवस्था की जा रही है। मार्केट में भी यहाँ नगर निगम में आज जो है ये 20 जगहों पे पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि कोई राहगीर वगैरह भी जो आते हैं मार्केट उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था रहे। साथ ही साथ अगर कहीं पे किसी वार्ड में पानी की कमी होती है तो वहाँ पे जो नज़दीकी पियाऊ रहेगा वहाँ से भी पानी ले सकते हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े सिंटेक्स के टंकियों के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। तो हम लोग जहाँ पर ज़रूरत होगी पूरी उसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, पानी की किल्लत नहीं होगी सरकार के निर्देश के आलोक में। लेकिन ये एक संकेत है हम सभी लोगों के लिए कि भविष्य में, अभी तो स्थिति तो गंभीर हो ही रही है लेकिन भविष्य में और गंभीर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे आने वाले सालों के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी होगी। सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान आप लोग जानते हैं चलाया जा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो सरकारी विभाग तो काम कर ही रहे हैं उसके 2 प्रमुख अवयव हैं। एक तो वृक्षारोपण कराना, ताकि जो पानी बारिश होती है उसको बहने से रोका जा सके, वो भाप बन के उड़ ना पाए, वृक्षों के कारण उसमें बहुत सहूलियत होती है, उससे भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है। साथ ही साथ सोख्ता का निर्माण कराना, पोखर का निर्माण कराना, जो जल संचयन की व्यवस्था करना, ताकि जो बारिश का पानी हो अगर उसको हम लोग बहता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है, अगर उसमें हम लोग उसको संचयन करेंगे तो रिस्क के भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने में वो बहुत मदद करता है। और जल जीवन हरियाली अभियान के चलते ही ये रहा है कि 2019 के बाद जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अभी भी इतना लू चल रहा है तब भी जलस्तर 19 के लेवल से भी अच्छा ही है। तो लेकिन इसमें सरकार के अभियान के अलावा बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इस बात को समझें, और अपने अपने घरों में आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करूँगा सभी लोगों से कि ये स्थिति को ध्यान में रखें। आगे स्थिति और गंभीर हो सकती है आने वाले सालों में। सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि जो सक्षम है अपने अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला निर्माण जरूर कराएं, ताकि जो बारिश का पानी होता है, छत वर्षा जल होता है, उसका संचयन करके हम लोग भूगर्भ जल स्तर बढ़ा सकें। कहीं चापाकल लगवाते हैं अगर तो उसमें भी सोख्ता का निर्माण कराएं, उससे भी भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है। और पानी की बचत करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये देखते हैं लोग गाड़ियाँ धोने में बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद कर देते हैं, या टैप खुला रह जाता है उससे बहुत पानी की बर्बादी होती है। इसको आदत में लाने की ज़रूरी है, और अभी तो जो वर्तमान स्थिति है मैं लोगों से अपील करूंगा पानी कम से कम खर्च करें, जितना ज़रूरी हो वहीं पे उसका उपयोग करें, अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद ना करें। और हम सभी लोग आप लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से ये समय जो अभी जलस्तर नीचे जा रहा है इसका तो सामना करेंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। मधुबनी जिला के निवासी इसमें सभी लोग योगदान करेंगे, और भविष्य के आने वाले सालों में भी इस तरीके की स्थिति ना हो तो जल संचयन की दिशा में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, सोख्ता का निर्माण के लिए अपने स्तर से ही अपने घरों में लोग निर्माण कराएंगे, ताकि ऐसी स्थिति ना आने पाए। धन्यवाद।